गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माँ ने दो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने सिखाया था। ये दहन के बाद परों को सुखाते हुए परों को बर्निंग करते हुए हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? बहुत कमेंट आ रहे थे कि उस्ताद जी कबूतरों का नहान किस तरह से डलेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने टप रख दिया है पानी का, इसमें काफ़ी पानी है। इसमें पहले हमारे पास एक लोहे का टप था, वो चेंज करके ये प्लास्टिक का टप है और बड़ा है। इसमें कुछ थोड़ा कबूतर डरेगा, ये सोचेगा पता नहीं क्या चीज़ है ये। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो डालना है आपको कबूतरों के नहाने के लिए वो क्या चीज़ डालनी है जिससे कबूतर की बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। कबूतर किसी तरह से भी, कबूतर के जिस्म में दर्द है, सूजन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, कोई भी किसी भी तरह की शारीरिक ऊपर से स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां से दूर हो जाएंगी। वो आपको मैं दिखाने वाला हूं कि मैं क्या चीज़ इसमें मिक्स कर रहा हूं। एक शब्बे अमानी वाइट एलम आता है, उसको आप मुतब्बिर करेंगे पहले। मुतब्बिर करने के बाद आप इसके अंदर पानी में दो चुटकी डाल देंगे। ये कबूतरों का नहान शुरू हो गया, मुझे जल्दी से डालना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप दो तीन चुटकी डाल देना। ये मैंने डाल दी है, अब कबूतर इसके अंदर नहा लेंगे। आप इंजॉय करिए, देखिए किस तरह से नहाएंगे कबूतर। आ बेटा आजा, आओ 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 आओ, आजा आओ। दोस्तों उसमें कुछ मैंने पट्टे भी डाले हुए हैं, क्योंकि मैंने शुरू अक्टूबर से दिसंबर तक कबूतर खूब दौड़ाया और माशाल्लाह 4-5 मिनट की पट्टी, 3 मिनट की पट्टी, 4 मिनट की पट्टी करता रहा कबूतर 3 महीने लगातार 3 महीने। लेकिन वो मुझे कुछ पट्टे डालने थे इसके अंदर, इस वजह से मुझे कबूतरों को रोकना पड़ा और पट्टे मैंने इसमें डाल दिए हैं, जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, यानी कि पहली कुरीज भी उन्होंने सही से नहीं झाड़ी है। और वो पट्टे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, माशाल्लाह कहीं कुश्ती पड़ जाती है निकल के भी आ जाते हैं पट्टे। और कुछ पट्टे मैंने फूटा की वजह से फड़कवाए भी थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये पट्टे इस उम्र में बटें, क्योंकि दोस्तों पट्टे मैंने काफ़ी ज़्यादा किए थे, कुछ पट्टे दूसरे वाले जाल में रुके भी हैं। वो इंशाल्लाह जुलाई में मैं ट्रेन करूँगा इनको, जुलाई में दौड़ाऊँगा। लेकिन जो कुछ मुझे अपने, जो मेरा सांस चल रहा था, तो उसमें मुझे कुछ पट्टे छोड़ने थे, तो इस वजह से मैंने ये जल्दबाजी करी और माशाल्लाह पट्टे सेट हो गए हैं। और ये इंशाल्लाह फरवरी में ही
इनको मैं दौड़ा दूंगा अल्लाह ने चाहा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये नहान कर रहे हैं, कितनी खुशी खुशी एक 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 टप के अंदर तकरीबन ये 15-16 कबूतर घुसे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है इनको नहाने में। अच्छा टप हमारा लोहे वाला था पहले, तो उसमें ये शुरू से नहाते आए हैं। कुछ कबूतर इसमें जाते हुए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि जब कबूतर को नई चीज़ दिखती है तो वो कबूतर खिसियाता है, पीछे हटता है। ये दिखाना चाहूँगा मैं, सब ये बैठे हैं ऊपर, ये पट्टे हैं, दूध मुँह हैं, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी। और ये माशाल्लाह चल रहे हैं टुकड़ी में, और ये कुछ नीचे हैं हैदराबादी पट्टे हैं, जो कुरीज भी अभी सही तरह से झाड़ नहीं पाए। इनको फूटा गिर के यहाँ ज़बरदस्ती गिराया गया था ताकि ये आने वाले टाइम में कोई कसर ना कर सकें। जितने पट्टे मैंने इसमें डाले हुए हैं वो एक एक दिन फाका करके मैंने फूटागिर से लड़ा दिए थे, क्योंकि मुझे ये चेक करना था कि फाके में क्या होता इनके साथ, कितने मजबूत पट्टे हैं ये, तो वो सब पता चल गया था। और कुछ पट्टे इसमें रोक भी रखे हैं मैंने, लेकिन ये है कि अगले सीजन पूरी टुकड़ी एक हो जाएगी ये, और आप लोगों को भी शौक अच्छा लगेगा देखने में। जो पट्टे मैंने रोके हुए हैं वो अभी मैंने बाहर नहीं निकाले। तो दोस्तों जब भी कबूतर का दिल चाहे नहाने के लिए, जैसे आप पानी रखते हैं कुंडी में दाने के बाद, और चार चार पांच पांच कबूतर पानी के साथ साथ नहाने भी लगते हैं, तो फौरन आप उनको नहान दे दें, नहान की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो बहुत बढ़िया काम करेगी, सिर्फ वो दे सकते हैं आप। बाकी आप अपनी तसल्ली करने के लिए इसमें कोई खुशबू वगैरह डाल सकते हैं तसल्ली के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक ठीक है जो मैंने किया है, और जिसमें आपको तसल्ली लगे आप वो चीज़ इसमें मिला सकते हैं। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। ये वीडियो कैसी लगी नहान की, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।